नमस्कार। तो मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के 2। ये वो वक्त है जब हम सब देखते हैं मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। ये वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हम उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों का मूल्यांकन करते हैं, हर तरफ से हर नजर से देखते हैं, परखते हैं और जानते हैं कि क्या 2017 में की गई बातें आज भी कोई मोल रखती हैं या वो सिर्फ हवाई बातें थी और हवा में कुंभ हो गई। तो ऐसे ही आज एक और विधानसभा है जो काफी अपने आप में बहुत कुछ संजोए हुए है, बहुत शांत है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि जब ये विधानसभा बोलेगी, मतलब जब चुनाव होंगे और इस विधानसभा में वोटिंग होगी, तब बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। आज हम बात कर रहे हैं शामली विधानसभा की, गन्ना बेल्ट की एक ऐसी जगह जहां से इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है। शामली में तेजेंद्र निर्वाल साहब बीजेपी से विधायक हैं, पंकज कुमार मलिक को 29,000 से ज्यादा वोटों से 2017 में शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि तेजेंद्र निर्वाल साहब ने 70,000 के लगभग वोट पाए थे 2017 में और उन्होंने पंकज कुमार मलिक को हराया था। पंकज कुमार मलिक साहब को भी 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन तेजेंद्र निर्वाल के खिलाफ आज थोड़ा सा माहौल बनता नजर आ रहा है। इसकी इकलौती वजह यह है कि किसान आंदोलन जो बीते एक साल से ज्यादा वक्त तक दिल्ली के दरवाजों पर चलता रहा, हालांकि यह अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके जो जख्म हैं वो आज भी जिंदा हैं। और शामली जो कि सिसौली से मात्र 12 से 15 किलोमीटर की दूरी रखता है, सिसौली ये जगह का नाम मैंने क्यों इस्तेमाल किया, सिसौली दरअसल राकेश टिकैत का गांव है और राकेश टिकैत किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। तो ऐसे में शामली के किसान भी आज इसकी कसक रखते हैं, किसान आंदोलन की कसक आज उनके जहन में भी नजर आती है, दिखाई देती है। इसीलिए शामली विधानसभा एक महत्वपूर्ण विधानसभा हो जाती है। बीजेपी को यहां से जीतना है तो किसानों को मनाना होगा। आपको बता दें कि यहां सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो जाट वोटर है। जाट वोटरों की यहां जो संख्या है वो लगभग 60,000 के आसपास है। 60,000 के बाद जो एक और वोटर है जो यहां एक बड़ा वर्ग है वो है मुसलमान। मुसलमान वोटर यहां पर 50,000 से ज्यादा है। इसके बाद सभी वोटर ब्राह्मण भी हैं, गुजर भी हैं, सभी वोटर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण वोटर है वो है जाट और मुसलमान। तो इनसे लड़ाई है, इनसे जीतना है। वोटर क्या उनको वोट डालेगा, मतपेटियां खुलेंगी तब इसका निर्णय होगा। लेकिन उससे पहले शामली में क्या कुछ चल रहा है इसको जानेंगे समझेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मेहमान होंगे जो कि इनकम्बेंट एमएलए यानी जो अभी एमएलए वहां पर सिटिंग एमएलए हैं उनका पक्ष रखेंगे और दूसरी तरफ होंगे विपक्ष का एक चेहरा। तो दोनों को ही नामों पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या इस बार पंकज कुमार मलिक का कुछ माहौल है या फिर तेजेंद्र निर्वाल एक बार फिर आने वाले हैं, इसी को लेकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले समस्याओं के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। समस्या है कि आज भी शामली में जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर आज भी ऊपर से ओवरपास नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से भारी जाम लगता है, 30 से 35 मिनट का जाम लग जाता है। इसके अलावा शामली में कोई भी बाईपास नहीं है, बाईपास ना होने की वजह से शहर के अंदर काफी जाम लगता है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो शामली को दर्शाएंगी और दिखाएंगी कि शामली आखिर दिखता कैसा है। तो ये शामली की तस्वीरें देख लीजिए। चलिए ठीक है, कार्यक्रम खोलेंगे। चलिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल मलिक साहब, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। अब ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए, हालांकि किसान आंदोलन की जो आंच है वो तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, क्या शामली में इस बार परिवर्तन होने जा रहा है? बीजेपी के एमएलए हैं वहां पर, तो परिवर्तन होता दिखेगा इस बार। किसान कितना खुश है कितना नाखुश है, क्योंकि कृषि कानून जिनके खिलाफ लड़ाई थी वो तो वापस ले लिए गए। इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज थी एमएसपी पर कानून, उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है। तो दिल्ली के दरवाजों पर तो मामला सुलट चुका है, लेकिन क्या शामली में किसान खुश हैं? मैं आपको बता दूं, शामली जैसा आपने भी बताया, शामली जो है गन्ना बेल्ट है, पूरी का पूरी गन्ना किसान यहाँ ज्यादातर है। और यहाँ पिछले साल का भी एक बकाया भुगतान इसी जनपद के गन्ना राज्य मंत्री होते हुए भी गन्ने का बकाया भुगतान पिछले वर्ष का भी बकाया है।
और इस वर्ष में बात करें लगभग 2 महीने से ज्यादा शुगर मिले चलते होगी, अब तक कोई भुगतान यहाँ नहीं हुआ। और रही बात चिकित्सा की, पिछली सरकार ने यहाँ एक जिला अस्पताल बनाकर तैयार किया है, लेकिन आज तक माननीय योगी जी ने उसका उद्घाटन किया, आज तक उस हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर नियुक्त नहीं है, केवल 3 डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, एक है चिकित्सा अधीक्षक और 2 संविदा कर्मचारी हैं, संविदा पे डॉक्टर हैं। और रेलवे क्रॉसिंग की बात करी आपने, रेलवे पे कोई भी ओवरब्रिज यहाँ नहीं है, जाम शामली को जामली के नाम से जाना जाता है, जाम के नाम से शामली को जाना जाता है। पिछले 7 वर्षों से बाईपास का काम चल रहा, लेकिन अभी तक चल ही रहा, हमें तो लगता नहीं शायद 2-3-4 साल में और पूरा हो जाएगा, जिस तरह से जिस स्पीड से काम चल रहा। और अतिक्रमण की बहुत बुरी व्यवस्था यहाँ पे है, पार्किंग की व्यवस्था शहर में नहीं है, चुपहिया वाहन शहर में नहीं घुस सकता, और कोई इस सरकार में कोई शिक्षा के संस्थान या आईटी कॉलेज या जो है मेडिकल कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी कोई भी यहाँ से नहीं खुल पाई शामली जिले में। आधारशिला कुछ जगह कुछ चीजों की आधारशिला रखी गई है, लेकिन ऐसी कोई भी नहीं है जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव है, थोड़ा सा ये समझाइए कि किसान तो खुश होने चाहिए, सरकार को आपने झुका दिया, सारी बातें सरकार ने आपकी मान ली, तो आप तो खुश हैं, मतलब किसान वर्ग तो खुश होगा ना? नहीं, किसान को मिला क्या? किसान अपना धान और गेहूं बेचने के लिए बराबर के स्टेट हरियाणा में जाता है, जहां केंद्र सरकार इस बात को कहती है कि भाई जो है किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है, लेकिन सच्चाई यह है पहले तो किसान अपनी फसल को बेच सकता था कहीं भी, अब जिस केंद्र पे किसान का रजिस्ट्रेशन होगा केवल उसी केंद्र पे बेच सकता है, अपने जिले में भी जो है खुला हुआ नहीं है। और यहाँ यूरिया की और डीएपी वगैरह की रबी की फसल की बुआई चल रही, रबी की फसल में जो है पानी आने वाला है पहला, तो उनमें उर्वरक और डीएपी की आवश्यकता है, उर्वरक और डीएपी के लिए आकार मचा हुआ है, और किसान को मिला क्या? 3 कृषि कानून काले कानून थोपे गए थे किसान पे, केवल वे वापसी हुई है, जब तक किसान को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक किसान का भला नहीं होगा। आज किसान गन्ना किसान जो है 350 का रेट शुगर मिल में है गन्ने का कुंटल का, आज 250 रुपए कुंटल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 250 रुपए कुंटल को लूपे डाल रहा, तो किसान को मिला क्या? वो दिन केवल आश्वासन मिले। 28 जनवरी का वो दिन जब राकेश टिकैत साहब ने आह्वान किया था कि सब दिल्ली आए, दिल्ली के दरवाजों पर आए, तो शामली से भी एक भारी संख्या में किसान आए थे, तो जो शामली से भारी संख्या में किसान आए थे वो आज किसकी ओर देख रहे हैं, कौन सी पार्टी में कौन से नेता में अपना भविष्य तलाश रहे हैं? रालोद नहीं, उन्हें आज भी जो है जो चुनावी घोषणा पत्र था भारतीय जनता पार्टी का, आज भी उस पे उसकी तरफ को आस लगाए हैं, शायद वे 450 रुपए कुंटल का गन्ने का भाव हो जाए 15 दिन में जो है गन्ना तो समय निकल गया, अब तो चुनाव आ गए, अब तो आपका नहीं, नहीं समय समय है समय है, अब भी देख रहे हैं, अगर इसमें इस समय में भी नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह दूसरी पार्टियों के जो है घोषणा पत्र पे विश्वास विश्वास ही करें, आपको उम्मीद है अगर बीजेपी ये सब काम कर देती है। सबसे जो प्रमुख मुझे लगता है वो ये है कि गन्ना किसानों का भुगतान अगर हो जाता है तो वोट गन्ना किसान का भुगतान गन्ना किसान का भुगतान आवारा पशु पर का जो है व्यवस्था, इसके साथ साथ बराबर का स्टेट 15 किलोमीटर पर हरियाणा है, वहां 35 रुपए पर हॉर्स पावर का बिजली का रेट है, हमें 175 रुपए पर हॉर्स पावर देने पड़ रहे हैं, ये सब समस्या आज भी योगी जी कर दे तो निश्चित आवारा पशुओं के लिए और किसी सरकार ने इतना ना किया हो जितना इस सरकार ने किया है, गौशालाएं बनवाई है, तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है सब, ये कोई 4-5 साल में तो नहीं हो सकता। आवारा पशुओं की जो समस्या है, ठीक है बोलिए बोलिए, आप दिल्ली में जाके देखिए, दिल्ली में लिख रहा संपूर्ण गन्ना भुगतान, और जमीन पे देखिए कागजों में क्या चल रहा, एक एक खेत में जो है आवारा पशु 20-20 पशु घुसते हैं, अगर कागज पे काम चल रहा, कम से कम वे जो गौशाला खोल ली थी जो बंद हो चुकी है आज, पता नहीं किस कारण से बंद हो चुकी है, अगर वे दोबारा चालू करें या व्यवस्था करें, अभी समय है, भारतीय जनता पार्टी पे योगी जी पे भी समय है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, योगी जी के पास भी अभी समय है, अगर समस्याओं का निस्तारण करते हैं तो देखा जाएगा सोचा जाएगा। बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, जी नमस्कार, बताइए नाम बताइएगा पहले अपना। जी पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि कॉलर को जरा ऑडियो अप करिएगा, फिक्स करिएगा ऑडियो को।
नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश पे। नाम बताइएगा अपना। चलिए, शायद कॉलर का कॉल कट गया है, एक बार फिर से उनको लेने की कोशिश करेंगे। तो फोन लाइंस लगातार फ्लैश हो रही हैं आपके नंबर टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस नीचे दिख रही होंगी, इस पर आप कॉल कर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। और भी दर्शकों को लेने की कोशिश करेंगे, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन से अनिल मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं, और अनुराग शर्मा बीजेपी नेता जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। आप अनिल मलिक जी बता रहे थे कि किस तरह से अगर बीजेपी जो बातें की थी अगर वो आज भी उनको पूरा करते हैं, समय है उनके पास, एक महीने का ही हो, लेकिन अगर पूरा करते हैं तो आज भी गुंजाइश है, क्या बीजेपी का साथ दे देंगे? आप सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे हैं जी, पूरी गुंजाइश है जी। जो जिस तरह से घोषणा की थी, घोषणा के आधार पर ही दो सर, शायद भारतीय जनता पार्टी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि भाई आपकी इतनी अच्छी सीटें यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। उससे बढ़कर यहाँ के किसान ने, मजदूर ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, हमने खुद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और किसान उन्हीं आशाओं पे है। दूसरी राजनीतिक पार्टी लेकर आएंगे घोषणा पत्र, उस पर विश्वास करेगा। अगर योगी जी कर देंगे किसान के लिए, तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ, 100% दावा करता हूँ, पूरा किसान, पूरी किसान बिरादरी जाति जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करेगी। बात कही आपने कि अभी भी समय है, अभी भी अगर समय पर काम हो गया तो बिरादरी वोट कर देगी, किसान बिरादरी। ऐसे हमारे साथ ऊपर वाली खिड़की पर आपको दिख रहा होगा एक फोटो है, ये फोटो है डॉक्टर अनुराग शर्मा साहब की, बीजेपी नेता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनुराग शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस मैं बढ़िया हूँ, आप ये बताइए अनुराग जी, एक बड़ी अच्छी बात कही है, भारतीय किसान यूनियन से अनिल मलिक साहब जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ समस्याएं हैं, अगर उनका निस्तारण आज भी एक महीने डेढ़ महीने में भी अगर हो जाता है तो पूरी किसान बिरादरी आपके साथ चल देगी। ठीक है, ठीक है, नहीं, शामली में गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, ये समस्या है। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब लूंगा अनिल मलिक साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, इनको जरा लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, बोलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम राहुल है। राहुल है, राहुल का थोड़ा सा ऑडियो ऑफ करिएगा, टेक्निकल टीम से कहूंगा राहुल का थोड़ा सा ऑडियो अप करिएगा। जी राहुल, बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शामली में जाम की समस्या बेहिसाब है, अभी आपने बताया गन्ना जो किसान है उनका भी बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा, और भाजपा सरकार रोजगार देने के भी जो दावे करती है, लेकिन उसके बाद भी युवा जो है सड़कों पर भारी मात्रा में जो है एक तरीके से मिठल्ले घूमते हैं। आप अगर सरकार रोजगार ही दे रही है तो ये जो युवा है ये बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं? ठीक है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या, साथ ही साथ इस पर जवाब लेता हूं मैं अनुराग शर्मा जी से। अनुराग जी, एक रेलवे क्रॉसिंग है, उसके ऊपर ओवरब्रिज बनाने की हर जब भी चुनाव आते हैं बात होती है, लेकिन ओवरब्रिज नहीं मिलता, ना ही शामली को बाईपास मिल पाया, इसको लेकर आपने क्या किया? देश
अच्छा ठीक है, चलिए नहीं इस पर भी जवाब लूंगा मैं, इस पर भी अनिल मलिक साहब से जवाब लूंगा। ठीक है इसकी सच्चाई अनिल मलिक साहब बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम बताइएगा अपना, नमस्कार स्वागत है आपका। सर सोहित मलिक बोल रहा हूँ शामली से। जी दोबारा नाम बताइएगा। सर सोहित मलिक शामली से। ठीक है मलिक साहब बोलिए। सर हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर। मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लेकिन बीजेपी से अनुराग शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि जितना फायदा किसानों को इस सरकार में मिला है उतना कभी नहीं मिला, और पुरानी सरकार का जो भुगतान था वो भी उनके द्वारा ही किया गया है, और जो अभी का भुगतान है वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा। सर अगर मैं बात करूं गन्ना भुगतान को लेके, हमारे डिस्ट्रिक्ट शामली से गन्ना मंत्री जी आते हैं माननीय सुरेश राणा जी, और वो अब तक अपने गृह जनपद का ही पेमेंट नहीं करा पाए हैं। बातें वो करते हैं कि हमने इतना पुरानी गवर्नमेंट का कर दिया, इतना अपना भी हम करा चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं शामली के उनका गन्ना मूल्य भुगतान की अगर बात करें तो इस साल का भी आना स्टार्ट हो चुका है। चलो लेकिन हमारे यहाँ का अभी मार्च में ही है। चलिए ठीक है, आपकी जो आपने सवाल किया उसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अनिल मलिक साहब के पास चलता हूँ। अनिल मलिक साहब, राजमार्ग को लेकर इन्होंने कहा अभी अनुराग जी ने कि इतने राजमार्ग यहाँ पर मिले हैं जितने कहीं नहीं मिले होंगे, तो ये तो विकास हुआ दबाकर। प्राइवेट देश में और हमारे जनपद में प्राइवेट सड़कों का तो निर्माण होने लग रहा, बाईपास का निर्माण पिछले 7 साल से चल रहा, जो PWD या जो है और विभाग जो सरकार के विभाग हैं उस पे किसी पे भी काम नहीं चल रहा। गड्ढे युक्त तो सारी की सारी सड़कें हैं, 4-4 फुट के गड्ढे यहाँ की सड़कों में है। यहाँ सरकारी सड़क का एक का भी निर्माण बताए, सारी प्राइवेट सड़कें हैं, सारू पे टोल लगा का चलती तपे। और एक है दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का निर्माण होने लग रहा है, वहां जबरदस्ती जमीन छीनने का काम प्रदेश सरकार के या केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा, आंदोलन यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, 7 हाईवे जनपद को मिले हैं, लेकिन सारे के सारे सरकारी हैं। यहाँ के किसान को, यहाँ के लोगों को क्या लाभ होगा उसका? उस पर अगर पहली तो बात किसान चढ़ेगा नहीं, किसान का ट्रैक्टर नहीं चलेगा, किसान की मोटरसाइकिल नहीं चढ़ेगी। कट भी अगर दे रखे हैं हाईवे से, हाईवे में कट दे रखे, एक चीज थोड़ा समझाइएगा, हम दिल्ली में बैठकर इसकी बातचीत करते हैं, थोड़ा समझाइएगा। कैराना का पलायन तो आपको याद होगा, तो कैराना से पलायन रोकने का तो काम किया बीजेपी ने? नहीं, कराने में कौन सरकारी प्लान है, पलायन नहीं सरकारी प्लान है, वहां कौन सी इंडस्ट्री लगाई वहां से, वहां पे जो है कैराना में रोजगार के लिए हरियाणा में पानीपत में जाते हैं लोग, और आज भी वे वहां पे बराबर जा रहे हैं। सुबह के टाइम देखे, सुबह के टाइम सड़कों पे कितनी लाइन लगेगी, जिसे अच्छा रोजगार मिल जाए पानीपत में वो अपना मकान बना लेता है। ये सरकारी प्लान है, पलायन नहीं है। एक भी इंडस्ट्री या एक वहां पे जो है पढ़ने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट कैराना में इस 5 साल में दिया हो। हाँ, अब जो है PSC का कैंप का शिलान्यास किया जब 4.5 साल हो चुके, बल्कि 4.5 साल में तो बन के PSC कैंप भी तैयार हो जाता। ठीक है, एक और चीज बताइएगा अनिल मलिक साहब, मुजफ्फरनगर के दंगे तो आपको याद होंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे तो याद होंगे, और चूंकि शामली में लगभग 60,000 से ज्यादा जाट वोटर है, तो मुजफ्फरनगर के दंगों की वजह से आज भी कुछ लगता है माहौल है? मुझे मुजफ्फरनगर दंगा एक भाईचारे को तोड़ने का दंगा था, और आपको ये बता दूं वो मुजफ्फरनगर दंगा नहीं था, वो शामली दंगा था। क्योंकि जिन गांव में लाख लिसाड़ बावड़ी में जिनमें दंगा हुआ, सबसे ज्यादा पलायन हुआ था, वे उस समय राजस्व के हिसाब से तो शामली का हिस्सा तो थे। ऐसे में जाट वोटर तो सोचता होगा ना कि बीजेपी के राज में सुरक्षित है, सपा के राज में तो दंगा नहीं। वो जिस समय दंगा हुआ, दंगा से पहले तो हिंदू था जाट, और जब दंगा हो गया जाट के बच्चे फंस गए, रोजगार की बात आई, उन्हें छुड़वाने की बात आई, उस समय जाट और मुस्लिम दंगा करा दिया गया भाजपा वालों ने। ऐसा दोहरीकरण क्यों, मझधार में जाट को छोड़ दिया गया, जाट को गलती का एहसास हुआ वहां पे जो है। आज उन गांवों में हमारे क्षेत्रों में, मैं उस क्षेत्र से हूँ जहाँ मैं प्रभावित हुआ हूँ, वहां मजदूर मिलने का काम खत्म हो गया। कौन लोग वहां से
सहयोग कर रहे। ठीक है चलिए अनुराग जी, केवल भटकाने का काम हो जाता है। अनुराग जी, मुजफ्फरनगर दंगों में आपने जाटों का खूब इस्तेमाल किया, हिंदू बनाया, लेकिन बाद में जाटों को छोड़ दिया, आज वो बहुत समस्याओं से परेशान है। ठीक है, अनुराग शर्मा जी की लाइन कट गई है, कॉल कट गया है, जैसे ही सवाल लिया वैसे ही कॉल कट गया। चलिए एक और बार फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक अनिल मलिक साहब से ही समझते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर समझ लिया और बाकी कैराना का पलायन को लेकर समझ लिया, इसके साथ ही एक और चीज बताइएगा, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा समझाइएगा, शामली को कोरोना काल दो जो दूसरी लहर आई थी उससे कैसे निकाला गया, जो यहाँ पर विधायक जी थे उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं किया? मैंने झेला वो, मैंने अपने पापा खोए उसमें दूसरे कोरोना काल में, ऑक्सीजन की पूरा मारा मारी थी, कोई स्टाफ की व्यवस्था। निर्वाल साहब ने, निर्वाल साहब ने कोई मदद करी? निर्वाल साहब ने नहीं, निर्वाल साहब थोड़े डॉक्टर हैं कि वे वहाँ ऑक्सीजन लगाते, ऑक्सीजन वहाँ व्यवस्था नहीं हुई। निर्वाल साहब अच्छे आदमी है, जहाँ तक विधायक की बात है, विधायक के हिसाब से वे अपनी योजनाओं का कार्यान्वयन करते हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। किसी कोई समस्या ले अपनी थाने की कचहरी की, अगर कोई आदमी लेकर जाता है जितना संभव हो सकता है वे प्रयास करते हैं। अच्छा। लेकिन सर जितनी एक विधायक का काम गांव की सड़कें बनवाना या जो भी छोटे मोटे काम है वही तो काम है, अगर बड़े रोजगार की बात होगी, बड़े हॉस्पिटल की बात होगी, डॉक्टरों की नियुक्ति की बात होगी, ये सारे के सारे शासन स्तर से होते हैं। ठीक है, विधायक जी ठीक है, सरकार ठीक नहीं है, नीति या सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, विधायक जी तो लगे रहते हैं जनता के बीच में रहते हैं। अच्छा ठीक है, विधायक जी लगे रहते हैं, सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, ऐसा कहना है आपका अनिल मलिक साहब। ऐसे में कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइएगा अपना। सर रजत पवार। ठीक है पवार साहब, बात रखिए अपनी, क्या कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ज्यादा। जी ठीक है सर, मैं शामली से हूँ, यहाँ पे एक भी स्पोर्ट्स अकेडमी नहीं है सरकारी। बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ठीक है पूरी बात रखिएगा। हाँ जी, फील्ड भी नहीं है कोई अच्छा। ये तो बड़ी, ये आपकी जो समस्या है ये दरअसल एक बहुत बड़ी समस्या है, प्रदेश लेवल की समस्या है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलो इंडिया, जब ग्राउंड नहीं है कहाँ पे खेले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे लोग क्रिकेट में जाते हैं, हॉकी में जाते हैं या ओलंपिक्स में जाते हैं, तो जब वो जीत जाते हैं तो बड़ा मान सम्मान किया जाता है, प्रदेश का नाम रोशन कर दिया, जगह का नाम रोशन कर दिया, जिले का नाम रोशन कर दिया। लेकिन आज एक युवा हमारे साथ जुड़ा है, वो बोल रहा है कि उसे क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलना है उसे, लेकिन संसाधन सरकार की तरफ से नहीं दिए गए, ना तो ग्राउंड है ना फील्ड है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया जाता है। आप कितने सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट? सर मुझे बचपन से खेल रहा हूँ, कम से कम 5-6 साल हो गए अकेडमी ज्वाइन करते हुए, प्राइवेट अकेडमी है, यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं, मतलब आगे बढ़ नहीं पाता बच्चा। तो आपकी तरह और भी लोग होंगे, काफी लोग होंगे आपके साथ? हाँ जी काफी लोग है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है यहाँ पे, कोई ग्राउंड भी नहीं है। अच्छा सर। नहीं सर। ठीक है चलिए, ये एक बड़ी अच्छी आपने बात कही है और बड़ी अच्छी बात रखी है, इसको जरूर मैं विधायक तेजेंद्र निर्वाल साहब तक भी पहुंचाऊंगा और साथ ही साथ अनुराग शर्मा के जरिए अभी मैं इस बात को रखूंगा भी। थैंक यू अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनुराग शर्मा भी हमारे साथ है, ठीक है। अनुराग शर्मा साहब का फोन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, लगाने की कोशिश हो रही है, तब तक अनिल मलिक साहब हमारे साथ है। अनिल मलिक साहब, इस समस्या का भी एक पहलू है, इसको भी लेना चाहिए, अच्छी बात कही है कि क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन कोई संसाधन सरकार की तरफ से जब दिए ही नहीं गए हैं तो फिर तो ये पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, फिर क्या शामली का बच्चा क्रिकेट टीम में शामिल हो पाएगा? जी शामली जनपद अगर कहीं आगे है तो अपनी मेहनत से है, सरकार के पिछली सरकारें भी रहे, किसी के रहमो करम पर यहाँ से यहाँ के लोग नहीं टिके। अगर आप परिवहन की बात करें, शाम को 6 बजे से बाद में आप मेरठ से या करनाल या दिल्ली जा नहीं सकते, कोई परिवहन व्यवस्था नहीं, आ नहीं सकते, कोई ट्रेन की या बस की व्यवस्था ऐसी नहीं है, यहाँ से जो है ट्रेन सीधी लखनऊ से या हमें जो है इलाहाबाद से जोड़ती हो, और कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई एकेडमी यहाँ पे नहीं है, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री का यहाँ पे लाने का काम हुआ कभी भी किसी सरकार में भी। सच्चाई ये है, ये देश किसानों का देश है, जब तक
गांव से किसान का पला, गांव से शहर की ओर पलायन बंद नहीं होगा, गांव के लिए योजना नहीं बनेगी, तब तक किसान और मजदूर और ये ग्रामीण भारत उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अनुराग शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए एक और बार। अनुराग शर्मा जी, अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मैं बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, लेकिन यहां पर कोई इंतजाम नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। अब मैं क्रिकेट तो खेलना चाहता हूं, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ूं? किसान की जो ट्रैक्टर है या बाइक है वो तो हाईवे पे तो चलेगी नहीं। ये देखो आपको कितनी हास्यास्पद बात है, अगर सड़क बनेगी तो क्या कोई उससे एक ही वर्ग के लोग चलेंगे? नहीं, वो कह रहे हैं ग्रामीण अंचल की सड़कें ठीक नहीं है, उनका इतना कहना था। नहीं, आप गाँव में जाके देखे जितना काम गाँव में हुआ है वो सब का सब कोई ग्राउंड है, उसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। दूसरी बात, विरोध के लिए विरोध करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आप देखते हैं केरला की बात इन्होंने की, केरला में सिर्फ डिग्री पुलिस मौजूद है। दूसरी बात, सारी इंडस्ट्री उसी क्षेत्र में बिलोंग करती है, केरला से बिल्कुल 2 किलोमीटर से मिला हुआ इंडस्ट्री एरिया है। पहली बात सुविधाओं की, बिजली 5-24 घंटे उत्तर प्रदेश में आ रही है, लोग बिजली का बटन ऑन ऑफ करना भूल जाते हैं, इतनी क्वांटिटी में बिजली मिल रही है। पहली बात खेल, खेल के क्षेत्र में भाजपा सरकार ने हर ग्राम के अंदर एक एक ग्राउंड ग्राम उपग्राम प्रधानों के माध्यम से निश्चित कर दिया गया है, और जो हमारे खेलने वाले युवा है चलिए ठीक है मिलेंगी, मतलब आश्वासन मिल गया, आश्वासन मिल गया है। मैं लेकिन आपसे एक पर्सनल आपसे एक आपको सजेशन करना चाहता हूं कि ऐसे युवा जो खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनके लिए जरूरत है कि आप एक ग्राउंड की व्यवस्था करें, एक बढ़िया स्टेडियम की व्यवस्था करें, तो उसके लिए आप प्रयास कीजिएगा। अनुराग जी खेलों के क्षेत्र में भारत टूर्नामेंट हो या जो भी बड़े इवेंट है सबसे बेहतर चल रहा है, और यूथ को खेल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए जिसके क्रम में भाजपा सरकार। ठीक है, आप प्रयासरत है, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए, इनको जरा लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका, नाम बताइएगा जी, नाम बताइएगा अपना। चलिए ठीक है, शायद इनका फोन कट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका भी, अनिल मलिक साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतनी ही इजाजत देता है हमको। तो आज का कार्यक्रम शामली पर था कि शामली विधानसभा का आखिर माहौल क्या है, हाल क्या है। दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या यह है कि शामली शहर में जो रेलवे क्रॉसिंग है उस क्रॉसिंग के ऊपर आज तक ओवरब्रिज नहीं बन सका, जिसकी वजह से 30 से 35 मिनट का लंबा जाम लग जाता है और अमूमन लगता रहता है। इसके साथ ही दूसरी जो समस्या है और वो बड़ी समस्या है वो ये है कि शामली को आज भी बाईपास नहीं मिला। तो ये वो समस्या है, और इस कार्यक्रम का मकसद इतना ही है कि छोटी छोटी छिपी समस्याएं जो दिखती नहीं वो सामने आए। जैसे कि एक युवा हमारे साथ जुड़ा था, उसने कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन कोई स्टेडियम नहीं, कोई एकेडमी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? आगे नहीं बढ़ेगा तो शामली का नाम कहां रोशन करेगा? तो इन समस्याओं को समाधान की आवश्यकता है और जरूरत भी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।